कप्तान दिलकश ठंडे और सुहाने मौसम में लाहौर पहुंचे और आते ही हुकूमत पर चढ़ दौड़े। कहने लगे, पनामा लीक्स का मामला खत्म नहीं होने देंगे। कल अदालत उज़्मा में नवाज शरीफ के खिलाफ पिटीशन दायर की जाएगी। मुल्क में कभी भी चोरों डाकुओं को एहतसाब नहीं हुआ। बदउनवानी खत्म करनी है तो ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे से नहीं। समझते हैं कि हमारे पास बड़ी सॉलिड इस वक्त सबूत है जो कि सुप्रीम कोर्ट को देंगे। पनामा का इंकशाफ के बाद तो असल में नैब को ही पकड़ लेना चाहिए था नवाज शरीफ को। पीटीआई के चेयरमैन ने जहां नवाज शरीफ को बाउंसर्स किए, वहीं पंजाब हुकूमत को भी यॉर्कर मारते रहे। कहने लगे, पंजाब का सारा बजट तो लाहौर पर खर्च किया जा रहा है, पूरे सूबे में तालीम और सेहत का बेड़ा गर्क हो चुका। कप्तान जाते जाते अल्ताफ हुसैन को भी फुल टॉस करा गए। उनका कहना था कि अल्ताफ ने मोदी से भी जहरीली तकरीर की, पाकिस्तान के दुश्मन भी अल्ताफ जैसी तकरीर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के दुश्मन भी ऐसी स्पीच नहीं कर सकते जो अल्ताफ हुसैन ने तकरीर की है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि दुश्मन भी सोच समझ के बात करते हैं।